आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। देखिए जनता की अदालत में सचिन बिरला के साथ आजाद हिंदुस्तान का सबसे कड़वा साक्षात्कार। ऐसे सभी कड़वे सवाल जिसका सामना चुनाव में सचिन बिरला और भाजपा को करना ही होगा। कांग्रेस से 30,000 जीत के बाद किस दबाव में हुए भाजपा में शामिल? काटकूट में नर्मदा जल और बड़वाहा को जिला बनाने के वादों का क्या हुआ? देखिए आजाद हिंदुस्तान के चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ सचिन बिरला से सीधी बात। आजाद हिंदुस्तान लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं एक बार फिर भाजपा के नेता एवं ये कह दें अभी लिस्ट तो घोषित नहीं हुई है लेकिन संभावित सबसे प्रबल दावेदार भाजपा के श्री सचिन जी बिरला। सचिन भाई एक बार फिर आपका आजाद हिंदुस्तान लाइव में स्वागत है। नमस्कार। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, भाजपा की लिस्ट अभी तक आई नहीं है लेकिन संभावना प्रबल लग रही है जो लोगों के जनमानस में है कि सचिन बिरला ही भाजपा के दावेदार रहेंगे। पार्टी आपको टिकट देती है तो ऐसी स्थिति में आप आज क्या माहौल देखते हैं और कांग्रेस ने उम्मीदवार जो घोषित किए हैं उनको आप कितनी चुनौती मानते हैं? सबसे पहले तो इस क्षेत्र की हमारी जनता, हमारे मतदाता, सभी परिवार के साथियों को प्रणाम करता हूं और इस विधानसभा में अभी फिलहाल कांग्रेस का टिकट तो तय हो गया है लेकिन बीजेपी अपना उम्मीदवार तय करने जा रही है। आने वाले एक दो दिन में देखोगे कि उम्मीदवार भी तय हो जाएगा। पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम सबको मान्य होगा और मुझे अवसर मिलता है तो हम जनता की सेवा में वापस जाएंगे। पिछले 5 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, जनता ने जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए घर घर जाने का काम हम लोग करेंगे। सचिन भाई बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज बड़वा क्षेत्र की जनता के मन में हैं। क्योंकि आपने विगत बार चुनाव जो लड़ा था वो कांग्रेस से लड़ा था और कांग्रेस से आप 30,000 मतों से विजय हुए थे और 15 साल के भाजपा के राज को आपने उस समय खत्म किया था लेकिन बाद में आप भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में जनता के मन के अंदर बहुत सारे सवाल हैं जिसको मैं कड़वे सवाल भी बोल सकता हूं और आने वाले चुनाव में आपको उन सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। मैं उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने 2 वादे महत्वपूर्ण किए थे उस समय। पहला काटकूट क्षेत्र के अंदर पानी ले जाने का, जब आप कांग्रेस में थे तब भी आपने बड़ी मजबूती से इस मुद्दे को उठाया था और भाजपा में जब मुख्यमंत्री जी के सामने आप शामिल हुए थे उस समय भी आपने इस मुद्दे को उठाया था और आपने वादा भी किया था लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो अभी तक ये दोनों वादे, चाहे वो नहरों का हो या जिले का हो, वो अधूरे नजर आते हैं। ऐसे में आप जनता का सामना कैसे करेंगे? देखिए जब मैं निर्दलीय लड़ा उस समय भी मैंने यही बात की थी कि काटकूट के हमारे जितने भी गांव हैं गोलन पार्टी से लेकर जगतपुरा तक ये पूरे गांव सूखे हैं। नर्मदा जी के उस पार जितने भी गांव हैं नेशनल हाईवे के उधर उधर काटकूट तरफ के सभी गांव जिसमें हमारी महेश्वर विधानसभा के गांव भी हैं उन सब गांव में पानी पहुंचाने का हमारा लक्ष्य था। मां नर्मदा का जल इन गांव में जाए और हमारा किसान खुशहाल हो, गरीब और खुशहाल हो, ये भाव हमारे थे। मैंने समय समय पर कांग्रेस में रहते हुए भी सभी लोगों को, सभी नेताओं को एक ही बात कही कि मुझे ये योजना आप दे दीजिए, इस परियोजना पे करोड़ों रुपए खर्चा होना है लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस समय बहुत सारी चुनौतियां थी, वो ये काम नहीं कर पाए।
उसके बाद अचानक से सरकार गई। सरकार के जाने के बाद हमने यही मुद्दा मैं लेकर शिवराज सिंह जी के पास गया। मैंने कहा मेरा वादा भी है और मैं चाहता हूं कि बड़वा जिला बने और मां नर्मदा का जल काटकूट के क्षेत्र में जाए। उन्होंने बेड़िया से भरे मन से घोषणा की, उस कार्य को अमलीजामा पहनाया और वो योजना मंजूर है। आप एनवीडीए में बात करेंगे, उस विभाग में बात करेंगे तो तत्काल उन्होंने एक कार्यक्रम में उज्जैन के आसपास एक गांव में वहां पर एक घोषणा की। आज भी पत्थर वहां का खरगोन आया है। उसके बाद उन्होंने अभी खुड़ेल में उसका कार्य आरंभ करने के लिए भूमि पूजन भी कर दिया। खुड़ेल की सभा में बात हुई, अब काम को हम अंजाम देने जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गया और एक कार्य योजना बनके पैसे भी मंजूर हो गए हैं। अगर इस बात को कोई कहता है कि ये काम नहीं हुआ है तो मैं समझता हूं किसी की सरकार भी आए, ये काम तो होना है। और अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और वापस हम लोग आएंगे और ये काम मां नर्मदा ने हमारे सुपुर्दी छोड़ा ऐसा लगता है, क्योंकि जिस भाव से मैं बीजेपी में गया उसको तत्काल मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और हमको वहां से फंडिंग भी हुई और काम चालू हो रहा है। दूसरा, जिला बनाने की बात आपने कही, समय समय पे प्रयास हुए, कागज भी पहुंचा है। मानदाता विधानसभा, महेश्वर विधानसभा से कई परेशानियां आई, कोई मिलना नहीं चाह रहे हैं, कई बातें ऐसी ऊपर नेतृत्व को गई। अभी जो नए जिले बने उनमें भी आग देख रहे, विरोधाभास है, कई जगह विरोध हुआ है, कई विधानसभाएं मिलना नहीं चाहती है। तो ऐसे कई बातें हैं और चुनाव सिर पे था, लेकिन ये दोनों ही मुद्दे आने वाले समय में हमें दोनों काम करेंगे। खरगोन जिले की हमारी ये जो बड़वा जिले की बड़वा हमारा जो तहसील है वहां पर पानी भी पहुंचाएंगे। दूसरा, हमारा जिला बनाने का लक्ष्य है तो हम बड़वा को जिला बनाएंगे। और अभी बीच में सभी जनप्रतिनिधियों से हमने बात की तो सभी का एक ही मानस बना कि ओमकारेश्वर भगवान हमारा हमारे पास में है और भगवान का धाम होने के कारण हमारा ज्योतिर्लिंग भी हो। हम सब ओमकारेश्वर को जिला बनाने की बात अभी कर रहे हैं और उसका स्थान चूंकि वन क्षेत्र है ओमकारेश्वर में तो कार्यस्थल बड़वा को रखेंगे और जिला ओमकारेश्वर के नाम से बनाने की हमारा सबका मन है। स्वयं मुख्यमंत्री जी भी अभी ओमकारेश्वर आए तो उन्होंने भी बोला कि सारे ज्योतिर्लिंग जिले हैं तो हम लोग ओमकारेश्वर को भी जिला बनाएंगे और सरकारी स्थल बड़वा को रखेंगे क्योंकि जमीन हमारे पास है, हमारी विधानसभा में। तो ये सब चीजें हो रही हैं। आप देखेंगे कि आज पूरे देश के अंदर जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, जितने भी तीर्थ स्थल है उनको विकसित किया जा रहा है। तो ओमकारेश्वर भगवान जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी है, हमारा तीर्थ स्थल है, सभी हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर आते जाते हैं। तो मैं यही इस अवसर पर यही आपको कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से काटकूट क्षेत्र के रहवासियों को भी निश्चिंत होना है और जिला भी एक समय बनेगा, ये भाव आज आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। आपने बात की अभी भाजपा में शामिल होने की, हमको भी मालूम है कि एन लोकसभा चुनाव था और शिवराज सिंह जी के मंच पर आप शामिल हुए थे। उस समय सब लोगों को यही लगा था कि आप भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन मालूम चला कि कुछ दिन पहले ही आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ऐसे समय में कांग्रेस इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही थी और उठा रही है कि आपने उस समय शामिल होने का नाटक किया, सदस्यता अभी ग्रहण की, तो आप अब तक जो बीच का समय था उसमें विधायक किस पार्टी से थे और किस पार्टी के बलबूते पे आप काम कर रहे थे? देखिए, सरासर गलत बात है। 2 साल पहले ही मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। मन से मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब ने मन से ही मंच से मुझे माला पहनाई, दुपट्टा पहनाया और मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था। 2 साल लगातार विकास कार्य किए,
और विकास ही मेरा मुद्दा था, क्योंकि जनता के बीच में जाना था। जिस भरोसे के साथ जनता वोट देती है तो काम भी करना पड़ता है, काम हो नहीं रहता, इसलिए भाजपा में गए, विकास किया। और दो साल में आप देखोगे कि पिछला 20 साल का रिकॉर्ड उठाइए, 25 साल का रिकॉर्ड उठाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने विकास कार्य हम लोग गांव गांव जाएंगे, जितने विकास कार्य इन 3 साल के 2 साल के अंदर हुए हैं, उतने विकास कार्य कभी इस विधानसभा में नहीं हुए। पूरी लिस्टें बनी है, एक एक गांव जाएंगे, एक एक समाज को हमने पैसा दिया, एक एक गांव में सड़कें बनवाई, नल जल योजनाएं पहुंचाई, समाज का जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने की कोशिश की। और इतना बड़ा नेटवर्क आज विकास का फैला हुआ है कि मैं समझता हूं 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आपको दिखेगा गांव गांव जाके मंच से बोलेंगे, हमने तुम्हारे गांव में ये विकास की, ये काम किए, इन इन समाजों को हमने सामुदायिक भवन दिए हैं, ऐसे कई अनेकों काम किए, मंदिर बनाने का काम किए, गांव में धर्म से जोड़ने का लोगों को काम किया, लोगों को देश हित में जोड़ने का काम किया, ऐसे कई विकास कार्य हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये प्रश्न तो कहीं ना कहीं आपको चिंतन मनन के लिए जनता के बीच में ही बात रखेंगे तो ठीक रहेगा। एक प्रश्न और है कि आपने विधायक पद से त्याग पत्र अभी अभी दिया, यदि आपने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ना ही थी तो उसी समय आपको विधायक पद से भी त्याग पत्र देना चाहिए था, क्योंकि आप कांग्रेस के विधायक थे। क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है, उस पार्टी के साथ धोखा नहीं है जिससे आपने चुनाव लड़ा था? बिल्कुल धोखा नहीं है। सरकार बीजेपी की थी और पैसा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप जानते भी हो कि विधायक का लक्ष्य होता है अपने क्षेत्र का विकास, और जब मतदान के बाद कोई भी व्यक्ति विधायक अगर बन जाता है तो सबका होता है, और सरकार भी सबकी होती है। सरकारों का भी दायित्व होता है कि वो विकास के लिए पैसा दे, और जितना भी आप विकास देख रहे हो ये सब अभी 2 साल के अंदर हुआ है। तो इतना बड़ा विकास कार्य जब इस क्षेत्र में हुआ है तो कहीं ना कहीं भाजपा की देन है। मुख्य चीज एक और है कि कांग्रेस इस बात को मुद्दा बनाएगी कि यदि आपने भाजपा की सदस्यता अभी ग्रहण की या उस समय ग्रहण कर ली लेकिन विधायक पद नहीं छोड़ा था, कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि आपने अब तक जो भी काम किए हैं वो कांग्रेस का विधायक रहते हुए किए और कांग्रेस की विधायक नीति से किए, तो उसमें भाजपा का योगदान कैसे रहा? विधायक निधि ना तो कांग्रेस की होती है और ना ही किसी अन्य दल की होती है। विधायक निधि विधायक का अपना अधिकार होता है, सरकार देती है पैसा, किसी की सरकार भी रहे। क्या कांग्रेस की सरकार थी उस समय बीजेपी को लोगों को विधायक निधि नहीं मिली क्या? और जब बीजेपी की सरकार आई तो क्या कांग्रेस के लोगों को विधायक निधि नहीं मिली? ये बोलने भर की बातें हैं। विधायक निधि से विधायक जनता के बीच में जाता है, जनता के काम करता है, उसके सुख दुख में खड़ा होता है, स्वेच्छा अनुदान राशि भी होती है, वो एक उसका अधिकार है। विधायक निधि विधायक को सरकार मुहैया कराती है, कोई भी सरकार हो विधायक निधि तो सभी को देना होती है, किसी पार्टी विशेष की नहीं है। प्रश्न ये जानना चाहूंगा आपसे कि इस बार यदि पार्टी ने आपको टिकट दिया तो ये पहला अवसर होगा जब कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व देगी। ऐसे समय में मैंने अनुभव किया था कि ज्यादातर चुनाव में कांग्रेस गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व देती थी और भारतीय जनता पार्टी सामान्य वर्ग को देती थी, लेकिन इस बार ये पहला संयोग होगा कि दोनों ही दल एक ही समाज से होंगे, तो क्या अन्य समाजों के अंदर नाराजगी का भाव नहीं होगा या गुर्जर समाज के वोटों के बंटवारे से नुकसान नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, भगवान के आशीर्वाद से कृपा से वो किसी भी समाज में जन्म लेता ही है, तो उस पर बिल्कुल ये मैं बोलना चाहता हूं
कि जनप्रतिनिधि सबका होता है, उसकी कोई जात पात नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस देश में जो भी लोग हैं, सबकी सेवा करने का दायित्व, सबके सबके विकास का दायित्व जनप्रतिनिधियों पर होता है। और अगर जात पात की राजनीति की बात अगर करने लगेंगे तो मैं समझता हूं कि पिछले दो चुनावों में भी सभी समाज ने मुझे अपना समर्थन दिया, प्रेम दिया, सहयोग दिया, तो वो अब भी देंगे। और मेरे ऊपर जिस तरह से आप बोल रहे हो कि जातिवाद वाली बात आप जो कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई इस विधानसभा में ऐसा कोई स्वभाव नहीं रहा कि कोई जाति के नाम पर वोट दे रहा है। सभी लोग विकास के नाम पर वोट देते हैं, अच्छे इंसान को चुनने की कोशिश करते हैं। प्रश्न अब जनता के सामने है और आपके सामने भी ये रहेगा कि जिन लोगों के साथ आपने 2018 का चुनाव लड़ा था, बहुत पुराने साथी हैं कांग्रेस के, बहुत सारे साथी हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में चुनाव में काम किए, आज उन्हीं में से उम्मीदवार के रूप में भाई नरेंद्र पटेल भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और बहुत सारे लोगों से आपका सामना होगा, ऐसी स्थिति में आप कैसा अनुभव करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे कि पुराने साथियों के साथ अपन अब आमने सामने खड़े हैं? देखिए, ये सब व्यवस्था आज से नहीं है। राजनीति में भाई भाई को टिकट हुए हैं, और आप देखोगे कि अन्य विधानसभाएं इस पूरी लोकसभा में समाज के, एक ही समाज के दो व्यक्ति आमने सामने भी लड़ रहे हैं, कई वर्षों से लड़ रहे हैं। मानदाता में देखोगे आप, अन्य विधानसभाओं में कहीं जगह सामाजिक लोग आपस में चुनाव मैदान में उतरे, लड़े, लेकिन मैं समझता हूं कि बड़वा विधानसभा मेरा अपना परिवार है, और एक छोटे से व्यक्ति को जिस परिवार में कोई राजनीति में ना हो, और एक आदमी घर से निकलता है और सारे समाज उसको मदद करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, 10 साल के बच्चे के नाम पर भी सचिन बिरला हो, उसकी जबान पर मेरा नाम हो, और एक बुजुर्ग जो 90 साल 85 साल के भी हैं, उनका आशीर्वाद सचिन बिरला के साथ हो, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई भगवान आपको कुछ दे नहीं सकता। इतनी बड़ी व्यवस्था में 2 लाख से ऊपर वोट, 2,08,000-2,010,000 थे, 30,000 के आसपास है। इतनी बड़ी व्यवस्था में इतना बड़ा आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम सभी समाजों का एक व्यक्ति को मिल जाए, तो भगवान की विशेष कृपा है, और भगवान उसी को ये कृपा देते हैं जिसका भाव सम होता है, समान होता है, सबके लिए दृष्टि ठीक होती है, किसी का भला बुरा नहीं करता है। अगर भला हुआ तो ठीक है, लेकिन बुरा नहीं करेगा। तो ये व्यवस्था है ऊपर वाले की कि उसको सबको देखना है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से सामाजिक ताना बाना बुना जा रहा है, दो एक ही समाज के दो व्यक्तियों को टिकट होने की संभावना है, तो ये तो बरसों से हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विचारधारा की लड़ाई है, और इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव लड़ूंगा, जनता के बीच जाऊंगा, फिर आशीर्वाद मांगेंगे उनको, विकास की बात में जो जो काम विकास के छूट गए उनको आने वाले समय में पूरा हम लोग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 15 महीने चली, फिर कोरोना आ गया, फिर विकास के लिए मैं बीजेपी में आया, खूब मदद हुई, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से मदद हुई, संगठन से मदद हुई, सत्ता से मदद हुई, और आज इस विधानसभा में मैं कह सकता हूं कि मैं संतुष्ट हूं कि मैंने 5 साल के अंदर जितने काम किए, अगर ईश्वर ने और मौका दिया तो 90% व्यवस्था और सुधार। और सामने आ रहा है कि इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि तीसरा मोर्चा भी बड़वा विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, कुछ उम्मीदवार निर्दलीय रूप में प्रमुख रूप से मैदान में आने की संभावनाएं नजर आ रही है, ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, तो
कहीं भाजपा को उसका नुकसान तो नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमानी है, ईमानदार है और पार्टी के हित में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हम सब लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और जो भी स्थिति बनेगी उसका हम लोग सामना करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाज के उस वर्ग को जिसने सचिन बिरला को दो समय अपनी मदद की, सहयोग दिया, उन सब से भी सहयोग की अपेक्षा रखेंगे और रण पूरी ताकत से हम लोग जीतेंगे, ये मुझे भरोसा है। अब एक सबसे कड़वा प्रश्न जो आपसे लोग शायद पूछ नहीं पाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोगों का ये कहना है कि सचिन बिरला किसी विचारधारा के डर से या विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल नहीं हुए, बल्कि व्यावसायिक डर से या किसी दबाव में आकर के उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा दिग्विजय सिंह जी ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि सचिन बिरला बिक गया। ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या कहना चाहेंगे कि वास्तव इन आरोपों में कुछ सच्चाई है या वास्तव में विचारधारा से ही आप शामिल हुए? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में गया, बेड़िया के मंच से उतरते ही मैंने सबसे पहले यही एक बात बोली कि मां नर्मदा के भक्त आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी हैं और मैं भी हूं। मां नर्मदा में मेरा अटूट भरोसा है, मां का प्रेम मेरे साथ है। मैंने यही बोली कि उनको लगता है कि सचिन बिरला अगर बिक गया है तो आ जाए नर्मदा जी के जल में, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, वो भी खड़े हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कभी इन दो सालों के अंदर कभी भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उनको पता है कि सचिन बिरला ईमानदार था, ईमानदार है और ईमानदार रहेगा और भगवान की मुझ पर कृपा है, मुझे बिकने की जरूरत नहीं है। मैं न तो मेरा कोई इस तरह का कोई तामझाम है कि मुझे कोई आलिशान व्यवस्था लगानी है या बहुत अधिक पैसा चाहिए। मेरी दो बेटियां हैं और एक बेटी की तो शादी भी हो गई है, एक बेटी अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, MBBS की तैयारी कर रही है, वो भी डॉक्टर बन जाएगी। सभी भाई अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं। दूर दूर तक मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, सभी भाई अपना व्यवसाय कर रहे हैं। हमारे काका जी, हमारे परिवार, मेरी माँ और मेरी काकी जी आज भी खेतीबाड़ी का पूरा काम संभालते हैं। मैं किसान परिवार से हूँ, खेतीबाड़ी भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है, तो बिकने का कोई सवाल नहीं था। विचारधारा की बात है, एक तो विचारधारा के कारण भी, और दूसरा सबसे बड़ी कोई बात अगर करें तो जिस भाव से इस विधानसभा के की जनता ने, मतदाताओं ने, छोटे से लेकर बड़े तक, माताओं बहनों ने, परिवार का बच्चा समझकर मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, इतिहास बना दिया, तो मैं समझता हूं उनकी भावनाओं पर खरे उतरने के लिए सरकार की भी जरूरत होती है। फंड कहां से आएगा, कैसी व्यवस्था लगेगी, विकास कार्यों को कैसे अमली जमा पहनाएंगे, कई विषय थे। आज आप देखोगे इस विधानसभा के अंदर सड़कों का जाल हमने बिछाया, मां नर्मदा के दोनों तटों पर सड़क की व्यवस्था की। अभी अभी भूमिपूजन देख रहे हैं आप, बरसों से जो काम नहीं हुए, एक टांडा गांव है, देश आजादी के बाद तक रोड नहीं बनी, उस रोड की व्यवस्था लगाई। लोहारी से भोमाड़ा का एक रोड है, बरसों से खराब था, मलगांव से भोमाड़ा, ऐसे कई अनेकों काम में गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी। एक हमारा डेयरी वाला रोड पुल, बासवा का पुल, बरसों से वो रोड पे 50 गांव लगे हुए हैं जो क्रॉसिंग जाते हैं सीधे, वो व्यवस्था हमने लगाई। खनगांव और खेड़ी के रोड की मंजूरी मैंने करवाई और कई आंदोलनों का भी सामना किया। कई लोगों की, मैं समझता हूं कि लोगों ने मुझे गलत भी बोला, लेकिन मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। और इस घर में जहां आप बैठे हैं, रोज सुबह 200-300 लोग आते हैं, मुझे पता है कि इसका भाव अच्छा है, वही विधायक के पास जाता है,
कुछ भी बोल देते, मैं उनको सम्मान से बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, जो मुझसे सेवा बन पड़ती है वो करता हूँ, ये मेरी अपनी व्यवस्था है। तो इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह इस विधानसभा के लोगों ने मुझे दिया और मैं तो समझता हूँ मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। और रहा सवाल बिकने का, तो सचिन बिरला को खरीदना, खरीद तो कोई सकता नहीं, आप भी जानते हैं। इस विधानसभा में मैंने भ्रष्टाचार को 0% ला कर खड़ा किया। आज जनपद की व्यवस्था देखोगे, आज गांव गांव किसी से भी पूछ लो आप कि सचिन बिरला के काम काज करने का तरीका, कोई भी आया होगा, चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे किसी के ट्रांसफर की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे गांव की छोटी मोटी समस्या हो, थाने की हो, तहसील की हो, कोर्ट की हो, SDM कार्यालय की हो, बिजली विभाग की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, आंगनवाड़ी की हमारी बहनों की हो, स्वास्थ्य विभाग की हमारी बहनों की हो, सबके लिए समान दृष्टि रखते हुए जैसी जिसको जो व्यवस्था चाहिए थी, जो अधिकारी जहां जाना पसंद कर रहा था, परिवार की कई समस्या होती है, उनके ट्रांसफर सचिन बिरला ने फ्री में करवाए हैं, ये काम मैंने किया है। और आप एक बंदा कोई बोल दे इस विधानसभा के अंदर कि सचिन बिरला के दरवाजे पर 2 रुपए लगे हैं, तो जो कहोगे हार जाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। इतनी बात इतनी जिम्मेदारी से इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने किया है, तो मुझे भरोसा है कि जनता आशीर्वाद देगी, जनता मेरे साथ खड़ी है। अंतिम प्रश्न मैं यही पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से आपके सामने बहुत सारे दावेदार जो संगठन से भी जुड़े हुए हैं टिकट मांग रहे हैं, और ऐसा भी सुनने में आता है कि संगठन के कुछ लोग आपकी कार्यप्रणाली से नाराज हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर टिकट यदि आपको मिला तो क्या सब लोग एकजुट होकर के साथ देंगे, या आप उनको उनकी नाराजगी को दूर कर साथ में लाने में कामयाब हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता की लड़ाई, कार्यकर्ता अपने हक की लड़ाई लड़ता है, वो सब चुनाव के टिकट के पहले पहले होता है। लेकिन जैसे ही किसी भी कार्यकर्ता को टिकट हो जाती है तो सभी एकजुट होकर काम करते हैं, और टिकट मांगना सबका मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को हम छीन नहीं सकते, सबको अधिकार है। सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी में टिकट मांगता है, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने काम किए हैं, वो सभी दूर घूम रहा है, उसको जनता का सहयोग है, तो टिकट मांगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टिकट तो एक को ही मिलता है, जिसको भी टिकट मिलेगा हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो ये थे सचिन जी बिरला, जिनसे आज हमने इस विधानसभा के सबसे कड़वे प्रश्न किए। आने वाले चुनाव प्रचार के बाद इन्हीं प्रश्नों का सामना सचिन बिरला जी को जनता के बीच भी करना होगा। जनता उनका कितना समर्थन करती है, कितनी विजयश्री दिलाती है, कितने वोटों से वे विजय होते हैं, ये आने वाले समय में जनता ही फैसला कर सकती है। आजाद हिंदुस्तान आपके सामने पूरे चुनाव में इसी तरह जनता के प्रश्नों को उम्मीदवारों के सामने लाता रहेगा। सचिन जी अग्रिम बधाई आपको, बहुत बहुत आप अच्छा काम करें इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।